मैं ये कह रहा हूँ सुनो, इसमें बोल्ट ना है, ठीक है ना, बोल्ट डाल देना एक्स्ट्रा। वो 3,500-4,000 किलोमीटर इसको चला दिया, क्योंकि यहाँ से हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द व्लॉग। फिर से एक नए सफर में आप सभी का स्वागत है। अभी फिलहाल जा रहा हूँ भाई मैं इस वाली बाइक को लेकर सर्विस कराने के लिए अपनी जाटनी को। जब से आई है ये मुश्किल से एक दो बारी चली है और गंदी हो रही है। अभी कल तो मैंने अपाची की सर्विस करा ली थी, आज कराऊंगा इसकी सर्विस। देखते हैं इसमें क्या क्या चेंज होता है, क्या क्या रहेगा, कैसे रहेगा। और इसका इधर वाला पार्ट है वो भी लेके जाऊंगा। इधर वाला पार्ट जो था अम्मी वो तो दे दो, वो जो पार्ट जो है उसका उस साइड वाला वो तो दे दो। कार का हाँ यही वाला, ये चाहिए पेज। पापा को बताऊंगे, पापा ने वो करे ना उसमें से निकाला बॉक्स, तो देख लो एक बार कहाँ है। तो ये भाई इसका पार्ट ये वाला लगा हुआ, ये साइड में लग जाएगा ये वाला। ऐसे करके एयर फिल्टर निकाला था ना इसका, तो जब से निकला वही रखा है मेरे पास में। तो फिलहाल अभी चलते हैं इसकी सर्विस वगैरह कराते हैं और मोटो ब्लॉक का अपना सेटअप दिखाता हूँ मैं, कैसा सेटअप है। एक बार लाइट जलाएं, ये देखो भाई ये मोटो ब्लॉक का कुछ सेटअप है। ये गोप्रो लगा हुआ है, अभी चार्ज हो रहा है तो इसको लेके अपना चलते हैं मस्त। ये वाला पार्ट भाई इसमें डाल लेते हैं अपना, ये हो गया आपके डन। अंकल नमस्ते, चाबी ये रही मेरे पास इसकी बाइक की। यार पूरी बाइक गंदी हो रही है, धुलवानी भी पड़ेगी अच्छे से ये। चलो भाई हमें कोई कपड़ा सा दो इसको, एक बार हल्का सा वो कर लो। ये दे दो, पूरी गंदी हो रही है बुरी तरह से, चली ना आना जब से आई है। चलो भाई अब जाएगी ये नेक्स्ट ट्रिप नेपाल। चलो भाई वैसे ज्यादा तो इसमें कुछ होना नहीं है बाइकों, बस ये कि अगले वाले जो ब्रेक है थोड़े वो सेट कराऊंगा, और हो सकता है अगले वाले जो ब्रेक शू हैं वो चेंज होंगे। जो पिछले वाले टायर के ब्रेक शू थे वो तो मैं यहीं से चेंज करा के लेके गया था, पूरे नए डलवा दिए थे मैंने पूरा उसका जो भी सेट होता है ना। अभी अगले वाले और आज चेंज करा दूंगा। और कुछ थोड़ा मेरे को ये हैंडल दिखवाना है, हैंडल थोड़ा ना आउट सा फील हो रहा है मेरे को। एक बार क्या हुआ था, एक बार पापा का एक्सीडेंट हो गया था इस बाइक से, ऑलमोस्ट 2018 के समथिंग की बात है। तो जब से ना थोड़ा इसका ये डिसबैलेंस आया है हैंडल, तो इसको भी थोड़ा चेक कराऊंगा। और बाकी तो सब कुछ सही है ही, ये चार्जर है इसको फेविक्विक से चुपका के इधर लगाऊंगा, क्योंकि ये निकल गया ऐसे कर लीड लग गई थी ना तो नीचे गिर गया ये। बाकी अभी सोच रहा हूँ आगे एक लिखवाऊंगा मोहित राठी व्लॉग्स करके, आगे लिखवाना है मेरे को। तो भाई उससे ना काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, जैसे कोई इंसान जानने वाला है सामने से देखे तो वो भी देख पाए मेरे को। तो यहाँ लिखवा दूंगा मोहित राठी व्लॉग्स करके। और बाकी एक मैंने बोर्ड बनने के लिए दिया हुआ है, उस वाले भाई से भी अभी मिलता हुआ चलूँगा बोर्ड के लिए ना, तो पीछे वाला बोर्ड लगवा देना है मेरे को। पहले जैसे मैं पिन्नी का बनवाता था वो क्या ना वो गीला हो जाता है बहुत जल्दी, लेकिन अभी पीछे वो लगा हुआ रहेगा तो उससे बढ़िया सिस्टम बन जाएगा, जैसे कोई भी देखना चाहे तो पीछे से देख सकता है, बड़ा बोर्ड रहेगा बहुत सही। तो अभी फिलहाल चलते हैं, थोड़ी दूर है बस यहाँ से, काले आम पे जाना है मेरे को। हाँ भैया सर्विस कर दो। मैं ये कह रहा हूँ सुनो, इसमें बोल्ट ना है, ठीक है ना, बोल्ट डाल देना एक्स्ट्रा। मोमी ऑयल ठीक है, हैं ना, कम तो ना हुआ तो ठीक है, क्योंकि डालता रहा मैं बीच बीच में, सर्विस करा ली एक दो बार मैंने खुद ही अपने आप। तो भाई चलते हैं अपना घर की तरफ, बाइक की सर्विस करा ली एकदम बढ़िया करके। ऑलमोस्ट ज़्यादा पैसे नहीं लगे, 310 रुपये का ऑयल लगा, उसके बाद में 200 रुपये उसको दिए, तो 550-550 रुपये के आसपास में भाई सर्विस हो गई। तो ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ता, इसलिए बाइक सबसे बेस्ट रहती है। बाकी इसमें और ऐसा कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। अभी एक दो जगह मेरे को इसमें वेल्डिंग करानी है, वो मैं बाद में कराऊंगा, क्योंकि अभी लगा लो सुबह से आया हुआ हूँ, दोपहरी में बहुत बुरा हाल हो गया, भूख भी लगने लगी मेरे को। तो अभी इसको चलते हैं फिलहाल, ये ब्रेक वगैरह सब कुछ सही करा दी, हल्के ब्रेक थोड़े कम हो गए थे, और चैन सेट वगैरह तो मैंने पहले ही इसका नया डलवा लिया था सारा कुछ। तो अभी फिलहाल चल रहे हैं अपने घर की तरफ। और हाँ मैं ये तो बताना भूल गया, इसमें मैंने जो ऑयल डलवाया है ना वो डलवाया मोटो ऑयल का ऑयल डलवाया है, तो नॉर्मल वाले डलवाया मैंने 310 रुपये का। पहले मैं सिंथेटिक डलवा के लेके गया था, वो भी पहाड़ों की वजह से कि पहाड़ों में जाएगी इसलिए। बाकी अब नॉर्मली इसमें मैं डलवाऊंगा पेट्रोल हमेशा डेली अब। देन उसके बाद में इसमें क्या क्या हुआ, हाँ इसका जो रेस होता है रेस वाला वो सिस्टम चेक करा दिया पूरा,
जैसे मतलब एवरेज के लिए जो करते हैं ना वो करा दिया, उसके बाद में इसमें ग्रीसिंग वगैरह कर दिया उसने, ऑयल वगैरह कर दिया सब कुछ, एयर फिल्टर वगैरह सब कुछ साफ कर दिया उसने, तो ये छोटे मोटे काम हुए हैं भाई इस बाइक में बस। अभी आप भी आ रहे हो इसमें, तो अभी क्या था कि ऑलमोस्ट जैसे जाने से पहले जब ट्रिप का सोचा था ना मैंने, तो एक महीने पहले मैंने बाइक ली थी अपाची, मैंने कहा चलो इससे जाऊंगा मैं, हाँ तो फिर क्या हुआ कि एक साथ ही उसने कहा कि बोला 500 किलोमीटर जब तक चलेगी नहीं तो इसकी सर्विस नहीं हो पाएगी, तो आप लेके जाओगे तो हो सकता है ये इंजन मान जाए, तो मैंने कहा यार फिर कैसे करे, फिर पापा की ये खड़ी थी, मैंने कहा इसका एक साल बचा है, अब ये 2009 मॉडल है, ये अगले साल एक्सपायर हो जाएगी जून या जुलाई के आसपास में, तो मैंने कहा जब तक इसको अब चलाते हैं बढ़िया, तो अब देखो लेकिन इसने भैया साथ बहुत दिया, पूरा 3000 किलोमीटर खिंच गई, बहुत बहुत भैया यहाँ ज्यादा ही खिंच गई, ये 6000 किलोमीटर समथिंग चलाई थी मैंने, ये मतलब यहाँ से लेके गया था, अभी ये 9954 हो गई है, तो ऑलमोस्ट 3500-4000 किलोमीटर इसको चला दिया, क्योंकि यहाँ से गया पहले मैं आपका शामली होता हुआ उधर गया था शिमला, शिमला से उसके बाद में काजा गया और स्पीति गया, फिर उधर चला गया था आपका ले गया, लद्दाख गया, पेंगोंग लेक गया, नूबरा वैली गया, तो ऐसे पूरा घूमता हुआ है, बहुत लंबा मेरे को पड़ गया था यहाँ से, तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि जैसे इधर पहुँचा ना मैं शिमला, तो 900 रुपये में शिमला पहुँच गई है, मेरे को लगा यार 3000 रुपये में तो घर पहुँच जाऊँगा मैं, लेकिन जब पहाड़ आए तो जब इसने पेट्रोल पीना चालू किया फिर तो हल्का सा जाऊँ 250 किलोमीटर फुल सुई है नीचे, मैंने कहा क्या हो रहा है इसको, क्योंकि इसका एयर फिल्टर निकाल दिया था, एवरेज बिल्कुल ख़त्म हो गया था इसका, तो ऐसी कुछ समस्या आई लेकिन कर लिया भैया, बहुत सपोर्ट मिला बुलंद सर के भाइयों का, हाँ ठीक है भैया मिलेंगे आपसे फिर दोबारा, क्या नाम भैया आपका, अच्छा मोहित है ना, एक सेम राशि हो गई, अच्छा मोहित हुड्डा, आप जाट ही हो पंडित, जाट हो तो ऐसे पंडित लग रहे हो आप तो बिल्कुल गेटअप चेंज ही है, ये पंडित तो रख रहे हैं छुट्टी, आप जाट रख रहे हैं ना, सही है कि संगति का कुछ तो थोड़ा बहुत असर पड़ता ही है चेंज हो रहा है सिस्टम चलो ठीक है भैया, भैया नमस्ते। तो भाई अभी मैं आया था एक दोस्त से मिलने के लिए, तो उसका घर तो अभी इधर मिला नहीं उस साइड में है, तो अभी मेरे को एक भैया मिल गए, इन्होंने बाइक पहचान ली मेरी, तो मैंने कहा भैया चलो आपको भी व्लॉग में लेता हूँ, अच्छा लगता है यार जब कोई मिलता है ना, तो हर किसी का सम्मान करना चाहिए, अब ये नहीं कि अपने व्लॉग में सिर्फ अपना अपना दिखाते रहो, जो भाई लोग मिलते हैं सबको व्लॉग में लेता हूँ भाई मैं, तो ऐसे ही है। और अभी फिलहाल निकलता हूँ भाई सीधा ना इधर से घर की तरफ, घर नहीं पहले दोस्त से मिल लूँ, लेकिन इसमें ना फ़ोन में बैटरी नहीं है, तो ये हो सकता है बीत जाएगा जब तक, तो उसके साथ व्लॉग बन नहीं पाएगा, तो अभी पहले घर देखते हैं उसका, फिर उसके बाद में निकलते हैं अपना घर की तरफ। तो कुछ इस तरह से है, देख लो अंकल जी सपोर्ट करने के लिए आए मेरे को, अभी बस थोड़ी देर में जस्ट निकलने वाला हूँ, रेडी हूँ बिल्कुल, और फोटो माला लेके आया है मेरे लिए, थैंक यू भाई, बहुत बहुत थैंक यू, कर दो माला नीचे, बिल्कुल बिल्कुल थैंक यू अंकल जी, बहुत बहुत थैंक यू। तो भाई छोटा सा बच्चा है, कम से कम पहले भी मुझसे एक बार मिलने के लिए आया, दोबारा से मेरे से मिलने के लिए आया, मतलब बच्चों का इतना सारा प्यार मेरे को मिल रहा है ना, कसम से बहुत खुशी मेरे को महसूस हो रही है, और देखो मेरे लिए माला लेके आए कि भैया आप इतनी दूर जा रहे हो, तो देखो सम्मान के तौर पे माला देके गया मेरे को, यार कसम से क्या बोलूं मैं, इतना छोटा सा बच्चा देख रही हूं मम्मी, हैं छोटा सा बच्चा है, हमारी उम्र में तुमने कभी भेजा किसी को ऐसे माला में, हमें तो अपनी कसम पता भी नहीं कि उस टाइम पे व्लॉगिंग वगैरह क्या था, छोटा आया नहीं होता है ना, अभी देख लो भाई बच्चे इतना ज्यादा मतलब की माइंड इतना ज्यादा वो हो गया ना बच्चे, तो पढ़ने लिखने में तेज हो गए हैं, और दूसरा ये जो दूसरी एक्टिविटीज है जैसे यूट्यूब वगैरह पे या खेलने कूदने में वो इतनी ज्यादा करने लगे ना बच्चे, कसम से बहुत अच्छा मेरे को महसूस हो रहा है, और ये माला मेरे को देख गया छोटू, बहुत बहुत थैंक यू, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, तो कैसा लगा बहुत अच्छा लग रहा है, छोटा सा बच्चा इतना वो लेके आया है, बहुत क्यूट है छोटा सा बच्चा तो भाई मैं इसकी रिस्पेक्ट करता हूँ भाई की, और ये माला मेरे पास में, देखो पहले भी जब मैं आया था तो हमारे जॉनी भाई उन्होंने माला पहनाई थी, तो देखो वो भी अभी अभी तक घर में लटकी हुई है, कम से कम ऑलमोस्ट कुछ तो उसको 4 से 5 दिन हो गए, बट ये कि भाई जिस भाई ने दिया मेरे को उसका सम्मान करना चाहिए, है एक हफ्ता हो गया ना, एक हफ्ता हो गया और एक हफ्ते से लटकी हुई है, और देखो भाई जो भी भाई है सबका सम्मान करना चाहिए, तो अभी ये लटकी हुई है इसको भी मैं अपने पास से रखूंगा। तो भाई फिलहाल अभी मैं कालेआम पे आ गया हूँ, कुछ भाई लोग मुझसे मिलने के लिए आए हैं, भाई ये भी लेके आए हैं सम्मान के तौर पर, भाई ने मेरे को दिया है, तो ये भाई है, क्या नाम है आपका, मेरा नाम मनीष है जी, मनीष, तो आपका नाम क्या भाई, मेरा नाम क्या नाम, मनीष फोगाट, मनीष फोगाट, आपका आपका आप गुप्ता, आप भाई, आप चौधरी, तू तो मेरे साथ ही है,
आप तुषार चौधरी। तो भाई कुछ इस तरह से भाई लोग मेरे से मिलने के लिए आए हैं, अभी बस यहाँ से निकलने वाले हैं। तो इतने सारे भाई हैं अपना जो प्यार दे रहे हैं बुलंद शहर से। और थैंक यू, ये अपने भाई आ गए। जय बोली, कैसे हो प्रवीण भाई? बस बढ़िया भैया, बढ़िया। बस अब निकलेंगे यहाँ से। सही भाइयों को जय श्री राम। मैं बुलंदशहर से मोहित राठी अभी अपने बुलंदशहर से निकल रहा हूँ खाटू श्याम जी की यात्रा के लिए, जो कि है पैदल यात्रा ऑलमोस्ट 305 किलोमीटर की। और कुछ भाई लोग मेरा समर्थन देने के लिए आए हैं। कुछ भाई देखो ये रहे, समर्थन दे रहे हैं, भाई साथ चल रहे हैं, ये सब भाई लोग आए हैं सपोर्ट कर रहे हैं साथ में। तो अभी चल रहे हैं आगे की तरफ। आज ऑलमोस्ट ग्रेटर नोएडा पहुंचूंगा, देन उसके बाद में दिल्ली के लिए निकल जाएंगे, कल निकलेंगे वहां आराम करके। ये हमारे प्रवीण भाई, जय श्री राम भाई, जय श्री राम, सपोर्ट करने के लिए आए हैं। तो सही भाई मेरा सपोर्ट करें, समर्थन करें और कमेंट बॉक्स में लिखे जय खाटू श्याम महाराज की। सही भाई को जय श्री राम, हर हर महादेव। तो फाइनली भाई अभी मैं भूड़ चौराहे पे आ गया हूँ। ये भाई लोग आए मेरे समर्थन में, भाई मेरे साथ आए, भाई भी आए, भाई जी भी हैं, भाई हैं अपने पंडित जी भी आए साथ में। तो बहुत बहुत थैंक यू भाई, भाई लोग आए यहाँ तक छोड़ने के लिए। ठीक है भाई जी, देखते रहना भाई, पूरी जर्नी भाई की यात्रा मंगल में हो। ना ना बिल्कुल भाई जी, थैंक यू भाई यहाँ तक आने के लिए, थैंक यू भाई यहाँ तक आने के लिए। ठीक है भैया जी, बहुत बहुत अच्छा लगा। लेकर आए हमारे लिए भी, लेकर ना ना भाई बिल्कुल लेकर आऊंगा, बिल्कुल लेकर आऊंगा बुलंदशहर क्षेत्र का। तो भाई बिल्कुल बस अभी तो गाइस मैं भी जैसे कि आप देख रहे हो मैं पेट्रोल पंप आ चुका हूँ और अभी भैया पीछे पीछे आ रहे हैं। इतने भैया आते हैं मैं इतने टंकी फुल करवा लेता हूँ। देखो यहाँ पे देखो बहुत कम है अभी मीटर। मैं यहाँ से आ रहा हूँ पैदल पैदल आराम से, ठीक है ना। पेट्रोल तूने करा लिया इसमें पूरा? हाँ हाँ हो गया, टंकी फुल है। कितना आया इसमें? आ गया भैया मतलब आठ टंकी तो पूरी करवा दी, लेकिन ऐसे आया 1300-1400 रुपए का आ गया तेल। चल ठीक है, जो भी अपना पेट्रोल सही है। तू यहाँ से सीधा मेरे को मिलियो सिकंदराबाद, ठीक है? ठीक है ना, ठीक है। सिकंदराबाद तक तू पहुंच, वहां तक मैं आ रहा हूँ तेरे को पकड़ूंगा। ठीक है, दो तीन घंटे जो भी मेरे को लगेंगे। ठीक है, ठीक है, आराम आराम से चलो पहुंचो आप। मैं ठीक है धीरे धीरे आ रहा हूँ। ठीक है, ठीक है भैया। अभी चलते चलते मेरे को आधा घंटा हो गया। अभी बिलसूरी करके जगह पड़ती है बुलंदशहर में, वो पार की है। अभी एक सिकंदराबाद करके जगह आएगी, बस ऑलमोस्ट एक घंटे में वहाँ पहुंच जाऊंगा, 10 किलोमीटर के समथिंग में है। तो अभी फिलहाल चल रहे हैं और प्यास काफी ज्यादा लगने लगी है। अभी चलते चलते आए कहीं देखूंगा, पानी की बोतल वोतल लूंगा। और जो नमन था छोटा भाई उसको भेज दिया मैंने कि भाई तू मेरे को 10 सिकंदराबाद के पास से मिलना, आई होप उधर वो पहुंच जाए आराम से। मोहित भी आप आए, बताओ मेरे को गाइस 2-3 घंटे हो गए यहाँ पे वेट करते करते और मोहित भी आप आए। यार सर में दर्द हो गया भैया, इतनी देर से खड़ा हूँ यहाँ पे। मैं कह रहा हूँ प्यास बहुत हो गई यार, प्यास। आगे देखते हैं कहीं पेट्रोल पंप वगैरह मिलेगा तो वहाँ पे पी लेंगे पानी। यार ये सोचने में आपने यहीं पे बोला था क्या रुकने के लिए? मुझे ही नहीं पता पड़ा कि इधर से जाना है या फिर इधर से जाना है। अगर इस साइड जाएंगे तो अंदर सिकंदराबाद से निकल के चले जाएंगे। हाँ इस साइड से जाएंगे तो मैं यहीं पे कंफ्यूज हो गया। कोई नहीं, अंदर से साइड से निकल के जाएंगे क्योंकि इधर पड़ेगा लंबा। हाँ हाँ तो आगे अब मेरे को तू यहाँ से मिलना, इधर पड़ती है आगे जगह पड़ेगी खेलरी की नहर करके पड़ती है, खेलरी की नहर। काम कर। हाँ देखी है मैंने, देखी है वो नहर, देखी है। या तो वहाँ तक मेरे को मिल जा, तू मेरे को वहीं पे मिल जाना। चलो ठीक है ना, खेलरी की नहर। ठीक है ठीक है, पड़ेगी जाए किसी से पूछते हो जाना। हाँ उधर मिलूंगा तेरे को मैं, फिर उससे आगे उधर को निकल जाना। ठीक है ठीक है ठीक है। हल्के हल्के शॉर्ट लेता रहियो उसमें गोप्रो में ना। हाँ हाँ अभी कहाँ पे जा रहे हैं कैसे कैसे करके, अच्छा ब्लॉग वगैरह बनाएंगे। चलो रील वगैरह तो मैंने अभी अपलोड कर दी है। चलो ठीक है, कोशिश करेंगे जल्दी पहुँचने की, जल्दी तो कर मुश्किल। हाँ हाँ टाइम तो लगेगा ही। चलो वहीं मिलियो, चलो ठीक है भैया ठीक है। तो गाइस अभी तो मेरे को वैसे ही वेट करते हुए काफी टाइम हो गया और अभी आगे जाके फिर से रुकना है 1-2 घंटे में। ठीक है जल्दी आना थोड़ा सा। सो फाइनली भाई अभी मैं आ चुका हूँ परी चौक पे। ऑलमोस्ट अभी आप टाइम चेक करो भाई, 1:24 हो रही है। तो काफी ज्यादा भयंकर बुरा हाल हो गया, बहुत प्यास वगैरह लग रही है। और अभी तो आके बस थोड़ा हाथ मुंह से धोए और अभी बैठ गया हूँ यहाँ पे। अभी आए के लिए पड़ेंगे, अभी कुछ भाई हैं अपने, एक दो उन भाइयों ने कहा था मिलने के लिए तो मैंने उनको कॉल कर दिया है। अभी हो सकता है थोड़ी बहुत देर में आएंगे, तो उन्हीं का वेट कर रहा हूँ। फिर यहाँ से निकलेंगे नोएडा की साइड में। अभी देखो ये हूँ मैं परी चौक पे बैठा हुआ, परी चौक के पास में, और अभी इस साइड निकल जाएंगे हम ऐसे करके। तो अभी भाई बहुत बढ़िया जर्नी चल रही है मेरी, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अब देखो कहाँ तक पहुँच पाते हैं, कैसे पहुँचते हैं, बाकी कल के ब्लॉग में मिलेंगे आपसे। ये वाला ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो उसको यहीं पर एंड कर देता हूँ।
अभी भाई लोग आ जाए पहले उनसे मिलते हैं फिर इसको एंड कर दूंगा। हेलो सर कैसे हो? बढ़िया जी, राम राम। थैंक यू सर रात में आने के लिए। राम राम। और बताइए सर कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। ये भाई भी अपने बुलंद शहर से ही मिलने के लिए आए थे, हमारे वासु जी हैं। वासु भाई बुलंद शहर से, हम भी। अच्छा अभी बुलंद शहर से हो? कहाँ रहते हो बुलंद शहर में? मैं रहता नहीं हूँ, रहता तो मैं ग्रेटर नोएडा में ही हूँ। अच्छा अच्छा, लेकिन मेरा गांव है बुलंदशहर। अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया है भैया। कौन से गांव से हो? मेरा गांव जय है, जहांगीरपुर के पास, अगर पता। अच्छा अच्छा, जय। हाँ नहीं, नाम सुना है, सुना है। और ऐसे तो गांव चीखुल मम्मी का है, उधर शिकारपुर रोड पे चीखुल गाँव। हाँ चीखुल है, उसमें भाई साहब है हमारे, उनकी भी शादी हुई थी अभी। अच्छा, मुकुल करके है, मुकुल फौज में है। अच्छा, चीखुल गाँव में सारी आर्मी? हाँ आर्मी में ही है। और इस तरीके से वैसे मामा जी तो काले आम पी कोटी है, अगर आप जानते हो वीरेंद्र लौर, वो तो लौर साहब तो है, वो उनको जानते हो? अगर मनवीर अंकल को जानते हो आप? तन्नू भैया, तुषार चौधरी, होटल मैनेजमेंट किया था, चिक्की भैया के साथ के हैं वो। हाँ 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 हाँ। उनके घर के सामने ही रहता हूँ। हाँ हाँ, मेरा रहना थोड़ा कम हो पाया, मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, जो भी भाई है मिलते हुए चलेंगे। भाई भी अभी आए थे, कॉल किया था इन्होंने, मैंने कहा मिलते हुए चलते हैं। ऐसी है, अभी कौन सा रूट पकड़ भैया? अभी इधर से निकल जाएंगे सीधे आगे से, अभी इसमें दिखाया है मैप पे, देखा था मैंने, राइट लेके नोएडा की साइड से आएगा, नोएडा से दिल्ली के बाहर से लेके जा रहा है। मैं खाटू श्याम गया था, तो मैं, मेरा घर इधर है गौर सिटी साइड। जी जी। तो मैं गाजियाबाद से वो एक एक्सप्रेस वे जाता सीधा, फिर उसको छोड़ना ही नहीं सीधे खाटू श्याम, सबसे शॉर्टेस्ट रूट है वो। अच्छा, नहीं ये फिर बाइक पे आगे आगे चलेगा तो इसको चालान वगैरह की दिक्कत तो नहीं होगी? चालान हाईवे पे, क्योंकि पेरिफेरल पे तो चालान है शायद बाइक का। हाँ बाइक का चालान। नहीं नहीं, पेरिफेरल पे कोई चालान नहीं है सर। नहीं है, सुना था मैंने कि तो पेरिफेरल था। हाँ पेरिफेरल, बाइक नहीं है ना अलाउड, पेरिफेरल हाईवे पे पीसीआर बाइक अलाउड नहीं है ना, फोर व्हीलर अलाउड है, कोई जानकारी नहीं है। चलिए भाई, अभी भाई खाना लेके आए थे और भैया इतनी दूर से आए, कसम से ऑलमोस्ट 20-25 किलोमीटर दूर से आए हो रात में, और अभी रात में टाइम भी काफी ज्यादा हो गया, ऑलमोस्ट 1:30 के आसपास में हो गए हैं। तो अभी फिलहाल यहाँ से बढ़ते हैं आगे की तरफ और भाइयों से अलविदा देते हैं। ठीक है भैया, बहुत अच्छा लगा आप यहाँ पर आए मिलने के लिए। ठीक है वासु भाई, बुलंद शहर का भी आओगे तो दोबारा मिलेंगे। बुलंद शहर आते रहते हैं हर महीने। ठीक है भैया, अभी कुछ चलते हैं तो बढ़ते हैं अपना आगे की तरफ। ठीक है तो चलते हैं भाई, अभी आगे की तरफ। खाटू बाबा की जय। खाटू बाबा की जय। हर हर महादेव। तो रहूँ, गाड़ा बच जाऊँ।